यानी अभी देखो क्या पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ना, देखो अभी तक हम क्या पहुंच गए, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, हमें डीसी तो मिलता है। हाफ वेव में हाफ ही मिलता है, नेगेटिव वाले का नहीं मिलेगा, फुल वेव में सबका मिलेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी जीरो, कभी वन, कभी टू, कभी थ्री, कभी फोर, फोर से फिर थ्री टू वन जीरो, फिर वन टू थ्री फोर, ये फ्लक्चुएटिंग है। हम चाहते हैं ये वाला फ्लक्चुएटिंग ना हो, इसके लिए इसके लिए हमने इसके दो पैसिव डिवाइस, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के हमारे दो पैसिव डिवाइस हैं तो तीन, तीन में से मैं दो का बता रहा हूँ। या तो आप कैपेसिटर का यूज कर लो, या आप इंडक्टर का यूज कर लो। कैपेसिटर का यूज करोगे तो सीरीज में करोगे, पैरेलल में। कैपेसिटर का यूज करेंगे तो पैरेलल में करेंगे, और अगर इंडक्टर का यूज करेंगे तो सीरीज में करेंगे। कैपेसिटर का ये हुआ, इंडक्टर का ये हुआ। अब पहले हम कैपेसिटर का पढ़ लेते हैं। अब ये देखो सबसे पहले बेहद आसान काम पढ़ते हैं। कैपेसिटर में हमें पता है कैपेसिटर क्या करता है जी, कैपेसिटर अलाउ एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर नहीं रोक पाता है, जाने देता है, इजाजत है जाने की। बट प्रिवेंट डीसी, लेकिन डीसी को क्या करता है, रोक देता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये यहां से इनपुट है एसी 220 वोल्ट, ट्रांसफार्मर में गया, 4 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद रेक्टिफायर में गया, रेक्टिफायर ने क्या करा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करा, करने के बाद फ्लक्चुएटिंग हुआ। ये फ्लक्चुएटिंग वाला डीसी, ध्यान से सुनना, फ्लक्चुएटिंग वाला डीसी इसको मिलेगा तो ये वाला क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। मान लो इस रास्ते पॉजिटिव इस रास्ते पॉजिटिव वाला है और इस रास्ते नेगेटिव वाला है, तो यहां पे ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। पहले जीरो, फ्लक्चुएटिंग में क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर के बाद वो क्या होने लगता है, डिक्रीज। जब वो डिक्रीज, उस टाइम ये चार्ज इधर सप्लाई भी कर रहा होता है। अब मान लीजिए हमारा फ्लक्चुएटिंग का रेट था वन टू थ्री फोर, तो कभी यहां सप्लाई में फोर वैल्यू की आई होगी, फोर वोल्ट की आई होगी ना, जीरो वोल्ट, वन वोल्ट, टू वोल्ट, थ्री वोल्ट, फोर वोल्ट, फिर उल्टा फ्लक्चुएटिंग, थ्री वोल्ट, फोर वोल्ट, टू वोल्ट। ये समझ में आया, देखो यहां से जीरो वन टू थ्री फोर, फिर थ्री टू वन जीरो, फिर वन टू थ्री फोर, आया समझ में ये फ्लक्चुएटिंग रेट। तो उस तरीके से ये चार्ज भी हो रहा है, और जिसके मतलब चार्ज स्टोर कर रहा है, और उतने इधर भी सप्लाई हो रही है। तो चार पे तो ये पहुंच गया, चार पे ये पहुंच गया। उसके बाद इसने क्या करे, इसके बाद अब तो ये चार के बाद क्या हो रहा है, तीन हो रहा है, तीन हो रहा है, तो तीन तो यहां भी होगा, तीन यहां भी होगा, यानी यहां पे चार्ज घटने लगा, डिक्रीज होने लगा, तो और यहां पे भी डिक्रीज हुआ। तो इस डिक्रीज होते हुए में कैपेसिटर की एक कैरेक्टर है, चार्ज जब डिक्रीज होने लगता है तो सप्लाई करता है, करता नहीं करता है, तो ये एक एक की बराबर की चार्ज, एक वोल्ट के बराबर की चार्ज सप्लाई करेगा। तो चार को चार पे मेंटेन रखा, अगले बार दो हो रहा है तब फिर सप्लाई करेगा, क्योंकि इसके बाद चार है, फिर एक हुआ,
ये फिर तीन के बराबर की सप्लाई करेगा, इतने ये खाली हो गया। खाली हुआ तो फिर उधर से क्या आएगा, 1 2 3 4 फिर स्टोर हो गया, फिर स्टोर हुआ, और जैसे ही 3 2 1 0 फिर खाली हो गया। हर बार एक आधे, इस आधे साइकिल के आधे से हिस्से में कैपेसिटर रिचार्ज होता है, चार्ज होता है, और आधे से साइकिल में सप्लाई करता है। क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। तो यहां पे हर बार ये वोल्टेज मेंटेन रहता है, इस वजह से इनके जो ये पिक वैल्यू हैं वो हमें हर बार मिलता है। यही पिक वैल्यू हमें इनके हर बार मिलते हैं, कभी कम नहीं मिलता, कभी ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए अब ये सब डेड हो गया, ऐसे डेड हो गया सब, तो हम इसको कहते हैं फिल्टर्ड डीसी करंट। एक दूसरा तरीका और भी देखिए क्या है, कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला यहां पे मैंने कहीं पे लिखा है, ये देखो एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। एफ क्या लिखा हुआ है इसमें, फ्रीक्वेंसी है, और सी कैपेसिटर की वैल्यू है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इंपीडेंस उतना कम होगा कैपेसिटर पे, रिएक्टेंस उतना, तो चार्ज उधर ज्यादा फ्लो होगा, रिएक्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा ना। ये तो रेसिस्टेंस का काम करता है ना, 7th चैप्टर में पढ़ा था। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब ये, क्योंकि हम तो डीसी को रेक्टिफाई कर रहे हैं, आधे साइकिल पे ही बदल रहा है ना, आधे आधे साइकिल पे ही बदल रहा है, तो फास्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो उस हिसाब से इसकी इंपीडेंस कितनी हुई, यानी रेसिस्टेंस कितनी हो गई, कम हो गई। कम हुई तो करंट कितना फ्लो होगा, ज्यादा, ओम्स लॉ लगा लो, करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो ये रेक्टिफायर फिल्टर का काम करता है। उसके बाद एक फिल्टर और लगाया जाता है, वो आप यहां नहीं लगाएंगे, वो आप यहां लगाएंगे, और वो फिल्टर कौन सा है, ये वो फिल्टर, ये है इंडक्टर है, और वो फिल्टर एल है, ठीक है जी। इस इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। इंडक्टर में भी आपने एक नेचर पढ़ा हुआ है, एक्स एल इक्वल टू कितना पढ़ा हुआ था, 2 पाई एल पढ़ा हुआ था ना। अब देखो L की वैल्यू जितना ज्यादा होगा इंपीडेंस उतना ज्यादा होगा, सीरीज में है तो करंट ज्यादा चलेगा। यानी इसके मतलब ये हुआ कि ये तो एसी नेचर का होता है ना, हम तो डीसी दे रहे हैं लेकिन फ्लक्चुएटिंग दे रहे हैं। तो इसको थोड़े से समझिए, ये एसी में काम करता, डीसी में काम नहीं करता। तो अभी कैसे काम कर देगा, क्योंकि हम वो डीसी फ्लक्चुएटिंग दे रहे हैं, फ्लक्चुएट होने वाला दे रहे हैं, वेव फॉर्म का दे रहे हैं डीसी। क्या करेगा, कैसे करेगा, तो ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करेगा पहले, इसका भी काम है अपोज करना, ये भी चार्ज के चलने को अपोज करता है, लेंज लॉ लगाता है, लेंज लॉ लगाकर ये चार्ज के डायरेक्शन को अपोज करता है। इसके मतलब ये हुआ कि बेहद कम चार्ज इस रास्ते फ्लो होगा, वो जो फ्लो होगा वो यहाँ पे डीसी कहलाएगा, फिल्टर्ड डीसी कहलाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अब घटने लगा, इंडक्टर की यही आदत थी ना, बढ़ते हुए को अपोज करना, घटते हुए को सपोज करना, मदद करना। अब ये घटने लगा, कम होने लगा, तो इस कम होते हुए को ये इंडक्टर क्या करेगा, अपना चार्ज देगा, अपनी वोल्टेज देगा, चार्ज नहीं देगा वोल्टेज देगा, है ना, लेंज लॉ से वोल्टेज देगा, और यहां जितना भी डिक्रीज हो रहा होगा उसे मेंटेन करेगा। कहां तक मेंटेन करेगा, तो इसकी पिक वैल्यू तक मेंटेन करेगा। जैसे ही पिक वैल्यू पे जाएगा फिर लेंज लॉ अपोजिट लगेगा, अपोज करना चालू करेगा।
अपोज करेगा फिर वोल्टेज बनाएगा तो वो वहां पे सप्लाई हो जाएगी। आया समझ में? तो हमारे पास सर्किट फिल्टर यानी फुल वेव रेक्टिफायर के दो रास्ते हैं, एक कैपेसिटर का और एक इंडक्टर का। कैपेसिटर को हम कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में, और इंडक्टर को कहाँ लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। और इस तरह हम एसी को यानी पहले हाई वैल्यू वाले एसी को लो वैल्यू में ट्रांसफार्मर से कन्वर्ट करते हैं, और उसको डायोड की हेल्प से, अगर सिंगल डायोड लगाया तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर डबल डायोड लगाया तो फुल वेव रेक्टिफायर, और अगर हमने दोनों लगाया, दो दो डायोड लगाए तो फुल वेव रेक्टिफायर हुआ, और कैपेसिटर लगाया तो फ्लक्चुएटिंग डीसी कंप्लीट डीसी में बदलेगा। लेकिन कैपेसिटर कहाँ लगाना है? पैरेलल में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और अगर इंडक्टर लगाना है तो सीरीज में लगाना है। ठीक है।